सर, 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया मराठी में, ते मराठी तो असं म्हणाले कि मोदी जी देशाचे नवे पुतिन आहेत, आप नए पुतिन बन रहे हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। हाँ। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है, वह हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने, वो अलग बात है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं, उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं। जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच, अब देखिए, हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया? प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर। और इस देश में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी अब इनको क्यों भारत रत्न दे रहे हैं? सबको लगता हाँ यार, ये ड्यू था, डिजर्व था। किस दल के थे? हमारे खिलाफ ढेर सारी बातें उन्होंने बताई हुई, ऐसे लोग हैं, लेकिन निर्णय उसके आधार पर ही होता है। आप पद्म पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंह जी, असम के तरुण गोगोई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एस एम कृष्णा जी, आप देखिए जी, सारे लोग हैं दूसरी पार्टियों के हैं। हमने उनको पद्म दिया। हम पद्म देते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जो उनका योगदान है, देश के लिए जो भी उन्होंने किया है, ये देश का दायित्व है। अवार्ड देश का है, दल का नहीं है जी। ये मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उस पर कॉपीराइट नहीं है जी। तो मैंने पूरा पद्म पुरस्कार, तो मैं मानता हूं कभी अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंटरेस्ट करें, भारत में पद्म पुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे पद्म पुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। अगर तारीफ होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि भाई आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया। नहीं, देने के बाद भी उन्होंने ऐसा है स्टेटमेंट, ये शर्ती थोड़ा होता है मैं पद्म देता हूं मेरे लिए चुप रहना। ये कोई एग्रीमेंट थोड़ा होता है, ये गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं है जी। मोदी जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे